बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, या फिर यूं कह लें कि जो बिहार के सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो जल्द करेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे भी शिक्षा विभाग आए दिन कोई ना कोई तैयारी कर रहा है ताकि बिहार के शिक्षक और स्कूल दोनों को अच्छी जगह मिले। इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इनके पदों का रोस्टर जिले से विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से यह बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के पास पहुँचेगा। इसके बाद BPSC द्वारा विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दरअसल राज्य के विभिन्न जिले में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। BPSC के माध्यम से ही इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये सभी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। इनमें प्राथमिक विद्यालय में 5534 और मध्य विद्यालय में 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। इस तरह अन्य विशेष जरूरत वाले बच्चों को भी विशेष शिक्षक पढ़ाएंगे। पदाधिकारी ये भी बताते हैं कि वर्तमान में स्कूलों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, इसके लिए जिला स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था स्कूल के स्तर पर हो जाएगा। प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 विद्यालय में 5534 और मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में 1745, कुल मिलाकर 7269 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों का चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से किया जाएगा। BPSC द्वारा विज्ञापन जारी करने के बाद योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों द्वारा दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक रूप से विकलांग और अन्य विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इन बच्चों को स्कूल में उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से इन बच्चों को स्कूल स्तर पर ही विशेष सुविधाएं मिल सकेंगी। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विशेष शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं और उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह कदम राज्य में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। विशेष शिक्षकों की मदद से दिव्यांग बच्चे भी अपने साथियों के बराबर विकास कर सकेंगे। सभी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद स्कूल स्तर पर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति बिहार के विभिन्न जिलों से की जा रही है और शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिले से जो रिपोर्ट है वो मांग ली है और इसका रिपोर्ट तैयार करके रिक्तियां निकाल कर जल्द ही BPSC को सौंपेगा, ताकि BPSC दोबारा से विशेष शिक्षकों की वैकेंसी निकाल सके और जो भी इसका इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि अब जल्द ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति BPSC द्वारा बिहार में निकाली जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।